ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों आप सभी को वेद पंडित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल चमकते किस्मत में स्वागत है। दोस्तों हम अपनी हर वीडियो में हर दिन आपके लिए नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर आते हैं, जिससे कि हमसे जुड़े हर एक दर्शक को इस जानकारियों से लाभ मिल सके। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही सरल उपाय लेकर आए हैं, जिसको करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, धन का अभाव नहीं होगा और आपके घर में धन का आगमन सुचारू रूप से होता रहेगा। धन आने के नए नए मार्ग खुलते रहेंगे। दोस्तों हम अपने विषय को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस उपाय से लाभ मिल सके। और दोस्तों वीडियो को पूरा अवश्य देखें, जिससे हमारी बताई जानकारी आप पूरी तरह से समझ सकें। दोस्तों अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। दोस्तों हमें सोमवार और शुक्रवार को ये उपाय करना है। दोस्तों सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन आप शाम को सूर्य अस्त होने के बाद और अंधेरा होने से पहले किसी बेल के पेड़ के नीचे एक शुद्ध देसी का चार मुखी दीपक जलाना है और पेड़ में दो लौंग, दो इलायची और दो कमल गट्टे पीले कपड़े बांधकर बेल की पेड़ के में बांध देने हैं और जो भी आपकी इच्छा हो वह बोल देना है और फिर चुपचाप वहाँ से चले आना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना और ना ही किसी को कुछ बताना है। ये कार्य बिल्कुल गुप्त रखना है, क्योंकि बेल के पेड़ में माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती जी का वास होता है, इसलिए माँ आप पर प्रसन्न होकर आपकी हर इच्छा पूरी करती हैं। क्योंकि यह टोटका अत्यंत गुप्त है, इसलिए इसके बारे में आप किसी को कुछ नहीं बताएं, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। बस आप पूरे लगन और मेहनत के साथ कार्य करते रहें, माँ का पूर्ण आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके हर कार्य पूरे होंगे। धन दौलत आपके घर में आने लगेगी और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल चमकती किस्मत देखते रहिए। धन्यवाद।